नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रोलाइट का स्ट्रेटेजी। हम स्टडी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको कैसे एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन प्रोलाइट स्ट्रेटेजी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है इंट्राडे का चार्ट। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने लगा के रखे। अगर आप इसको हेकेनेसी कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। आपको करना है राइट क्लिक पैरामीटर्स, देन कैंडलस्टिक चेंज करके आपको हेकेनेसी कर लेना, तो ये हो जाएंगे आपकी कैंडलस्टिक की चार्ट रेडी। ओके, तो मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ। ये हो गई अपनी कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी। ओके, तो इसमें जब कभी भी बाय और सेल का कॉल जनरेट होता है तो आपको एक एरो इंडिकेशन आता है। जैसे कि सेल कॉल रहा तो डाउनवर्ड एरो आएगा, बाय कॉल रहा तो अपवर्ड एरो आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड एरो आएगा रेड कलर के साथ, अपवर्ड एरो आएगा ग्रीन कलर के साथ, राइट। फिर उसके बाद इस इंडिकेटर के साथ आपको री एंट्री री एग्जिट के सिग्नल्स आते हैं। री एंट्री सेल कॉल जनरेट होता है अपना, एक स्मॉल डाउनवर्ड ट्राइंगल आएगा रेड कलर में, जिसका इंडिकेशन आपको बताएगा कि मार्केट यहाँ से सेल में जा सकता है। सेम वे में अगर बाय का इंडिकेशन आता है डाउनवर्ड में तो आपको पता चलता है यहाँ से मार्केट थोड़ा अप जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट बाइंग में जा सकता है। दूसरी चीज है, अभी इंडिकेटर में आपको हर कोई कॉल पे ट्रेड नहीं करना होता है, आपको ओनली परफेक्ट कॉल देखना पड़ता है कि जिसमें आपका प्रॉफिट बने, ऐसे ही कॉल में आप ट्रेड करिएगा। तो वो आप कैसे एनालिसिस कर पाते हो तो मैं आपको बता दूं। उसके लिए अपने इसमें दो इंडिकेटर है, एक है वॉल्यूम बार है नीचे का और दूसरा है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम आप जब आपके साथ हो, जब कभी भी कोई कॉल आए, जब आपके वो साथ हो तो वो कॉल आपका परफेक्ट जाता है। आपको एंट्री लेनी कब होती है, जब आपका सेल सिग्नल जनरेट होता है तो सेकेंड कैंडल के ओपनिंग में आपको एंट्री लेनी होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सेकेंड कैंडल के ओपनिंग पे आपको देखना पड़ता है कि आपका वॉल्यूम साथ में हो और आपका ट्रेंड लाइन साथ में हो। तो ये चीज़ें जब मैच होती है तो आपका कॉल परफेक्ट होता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये रही सेल कॉल की बात। अब फेक कॉल कैसा होता है, फेक कॉल ये आप देख पा रहे हो, ये एक बाय कॉल है जो कि मैं इसको फेक मानूंगा। भले ही इसने आपको टारगेट दिया हो लेकिन ये फेक इसके लिए है क्योंकि नीचे वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम आपके साथ नहीं है। भले ही ट्रेड लाइन आपके साथ हो लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इस प्रकार के कॉल को फेक कॉल मानूंगा जिसमें आपको ट्रेड करना नहीं है। आप इसमें वेट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो कि मार्केट चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। जहाँ पे परफेक्ट कॉल हो वहाँ पे सारी चीज़ें साथ में होती है, जो फेक कॉल है उसमें एक चीज़ मिसिंग होती है या फिर दोनों चीज़ मिसिंग होती है, तो ऐसे में आप ट्रेड ना करें। तो ये रही आपकी बात कॉल एनालिसिस करने की। दूसरी बात है, अभी ये तो हो गया फ्यूचर का चार्ट। अगर आपको ऑप्शन में भी ट्रेड करना हो तो आप ऑप्शन में ये चार्ट के बेस पे उसमें भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे सेल कॉल जनरेट हुआ था आपका 35963 कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे में कोई भी पुट देख सकते थे ऑप्शन के चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल 36,000 का पुट देख सकते हो, 36,100 का पुट देख सकते हो। ये पुट में जो भी आपका कॉल बनता है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के बेस पे, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए उन्हीं में से किसी एक का एग्जाम्पल हम ऑप्शन के चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन का चार्ट, यहाँ पे लगाएंगे हम ऑप्शन। अभी ये है अपना ऑप्शन का चार्ट, आज की 4th of May है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर फ्यूचर में सेल कॉल मिले तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कोई बाय कॉल बन रहा है क्या। तो अभी अगर मैं बैंक निफ्टी 36,600 के पुट पे जाऊँ तो उसमें मुझे बाय कॉल मिल रहा है 717 पे। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है थर्ड जो 1121 रुपये है, तो वो भी आपको अचीव हो चुका था। अगर सेकेंड टारगेट पे भी आप एग्जिट होते तो 929 का टारगेट मिलता आपको, राइट। तो वो लगभग होता कितना है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
17 पे आपका बाइंग बनता था एक लॉट का, प्राइस इसको लगता 18,000 रुपये अप्रोक्सीमेट, और जो आपका प्रॉफिट बनता -17, 212 का प्रॉफिट मिलता, जो कि हुआ 5,300 का। आपका इन्वेस्टमेंट 18,000 और प्रॉफिट हुआ 5,300 का 3,600 के पुट में। ये कॉल मैं कब ले पाया, जब मुझे फ्यूचर में पता चला कि फ्यूचर में सेल कॉल चल रहा है, राइट, तब जाके मैंने पुट में एंट्री लिया। अभी दूसरी बात है, अगर इस पर भी आप ट्रेड ना कर पाते तो 36,000 का पुट, अगर आपको थोड़ा कम पैसे में काम करना था तो आपके पास 36,000 का पुट भी लेने लायक था, जो ट्रेड कर रहा था 308 रुपये पे, ठीक है। तो 308 रुपये पे आप एंट्री करते और आपका एग्जिट सेकंड टारगेट का होता 398, तो आपका इन्वेस्टमेंट बनता था 308 × 25, इन्वेस्टमेंट बनता था 7,700 रुपये का, और जो आपको प्रॉफिट बनता 98 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, दिया तो उसने थर्ड टारगेट दिए, लेकिन आप सेकंड टारगेट सेफ पकड़िए वहाँ पे एग्जिट कर लेने का, ठीक है। तो ये आपका 2,500 के अराउंड का प्रॉफिट बन जाता था इसमें भी। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करिए चार्ट को, और तब जाके आप ऑप्शन में अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए रही थी साथ में, तो जैसे कि एक हो गया फ्यूचर का चार्ट और एक हो गया ऑप्शन का चार्ट। फ्यूचर का चार्ट आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके बेस पे आप फिर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। अभी आइए चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। अभी निफ्टी के चार्ट में भी एक सुबह से एक सेल का सिग्नल मिल चुका था, जैसे कि मैंने बताया ये री एंट्री कॉल बोल सकते हो या फिर एग्जिट सिग्नल बोल सकते हो, इसको आप आपके व्यू के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। इसका ये भी मतलब होता है कि जब कभी भी ये कॉल आता है तो वहाँ से आपको एक इंडिमेशन होता है कि मार्केट सेल में जा सकता है। ये एक सिर्फ व्यू है, इसके बाद जब मेन सेल कॉल आता है उस पर ही आपको ट्रेड करना है, उस पर ही आपको श्योरिटी पता चलती है कि कॉल कितना श्योर जा सकता है। तो ये तो हो गया आज का ओपनिंग। अभी ये जो आप व्हाइट लाइंस देख रहे हो, ये ब्रेकआउट है हर दिन का, मतलब एक दिन का, यहाँ से एक दिन का चार्ट है, यहाँ से दूसरे दिन का चार्ट है, यहाँ से एक वन डे प्रीवियस का चार्ट है, ठीक है। तो ये बायफर्केट करता है आपको डेज के वाइज। तो चलिए आइए देखते हैं निफ्टी में क्या बना। निफ्टी में सेल कॉल था आपका, वो कंफर्म हुआ ये कैंडल पे, जहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया नीचे का वॉल्यूम मैच किया, एक ट्रेंड लाइन थी वो भी मैच करी, इसके बाद ये कॉल परफेक्ट बना। तो जैसे कि एक सेल कॉल परफेक्ट आया तो वही टाइम पे आप देख सकते थे कि कोई ऑप्शन में ट्रेड बना है क्या। तो ऑप्शन में जैसे कि मैं बताऊँ, ये ट्रेड बना था आपका, सेल कॉल बना था 16965 पे, तो आप देख सकते थे कि 17,000 के पुट में कोई कॉल बनाएगा, 17,100 पे कोई कॉल बनाएगा पुट में, ठीक है। तो जैसे कि मैं स्ट्राइक प्राइस दोबारा देख लेता हूँ, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पुट की मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे चार्ट देखना पड़ेगा, ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। तो ये गया मैं ऑप्शन के चार्ट में, तो यहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बाय कॉल था, जो कि था 168 रुपीज़ पे। अभी इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या बनती, 168 × 50 है लॉट साइज, आपकी इन्वेस्टमेंट बनती थी 8,400 रुपये एक लॉट परचेस करने को, जो कि आप सेकंड टारगेट पे एग्जिट करते। तो सेकंड टारगेट का अपना पॉइंट था 1217 − 168, आपको पॉइंट्स मिलते अराउंड 50 पॉइंट्स, जिसका प्रॉफिट बनता था 250 रुपये। तो ये बना आपका एक लॉट के बेस पर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट थी समथिंग 8,400 के अराउंड, राइट। सेम अगर मैं 17,100 का भी पुट देख लेता हूँ, तो इसमें भी आपको सेम बाय कॉल बना था, इसने भी आपको सेकेंड टारगेट तक का अच्छा प्रॉफिट दे दिया था, राइट। जिसका आपका प्रॉफिट अगर मैं गिनाऊँ तो होता है, इन्वेस्टमेंट हो गई थ्रू 35 × 50, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 11,750 और प्रॉफिट बना आपका 304 − 235 69 × 50, आपका प्रॉफिट बना 3,500। तो ये था अपना ट्रेड कैलकुलेशन, ऑप्शन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन फ्यूचर चार्ट, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करोगे तो ऑप्शन में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकाल के आएगा। तो ये रही अपनी स्ट्रैटेजी, जो प्रोलाइट की स्ट्रैटेजी जो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी है तो उनमें सेम कॉल आते हैं क्या, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि हर स्ट्रैटेजी का आपको अलग कॉल्स मिलेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि सेम कॉल्स भी एक टाइम आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी सबकी अलग होती है। मैंने एक कंपैरिजन का चार्ट लगा के रखा है आपको दिखाने के लिए कि मैंने प्रोलाइट को कंपेयर किया है अपना मैजिक ट्रेड के बेस। मैजिक ट्रेड भी एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, वो भी अच्छे से काम करती है, लेकिन कभी कभार होता है कि दोनों स्ट्रैटेजी के कॉल्स अलग अलग आते हैं। तो आपके पास अगर दो स्ट्रैटेजी हो तो आपको मल्टीपल कॉल्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास अगर एक ही स्ट्रैटेजी है मैजिक ट्रेड, तो उस बेस पर मुझे शायद ही कोई कन्फर्म एंट्री मिलती, राइट, क्योंकि कन्फर्म एंट्री आप पहले से चल रही थी। लेकिन हाँ, आपको री एंट्री कॉल मिल चुका था। री एंट्री के बेस पे ये है कि कन्फर्म कोई ट्रेड लेता नहीं लेता उसका श्योरिटी नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रोलाइट का भी स्ट्रैटेजी होता है तो मे बी इसके बेस पे आप एंट्री नहीं लेते मार्केट में, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आपका एंट्री मिल सकता था हाथ में, राइट, तो उस पे बेस पे आपका प्रॉफिट हो जाता। तो इस प्रकार से ये मैंने कंपैरिजन भी वीडियो आपको बना के दिया है कि आप समझ सकते हो कि दो स्ट्रैटेजी में दिखने में सब में चार्ट्स अलग होते हैं, राइट, मेन जो कॉल्स आते हैं वही इम्पोर्टेंट होते हैं। कैंडलस्टिक सब में सेम ही दिखेगी, सेम ही बनेगी, लेकिन मेजर जो डिफरेंस होता है वो उनके एक्यूरेसी में होता है, कॉल फ्रीक्वेंसी में होता है, किसमें कितनी कॉल्स आते हैं, कितने परफेक्टली कॉल टाइमिंग करते हैं, वो सब एनालिसिस करके ही आप स्ट्रैटेजी चॉइस करिएगा। और अगर मल्टीपल भी स्ट्रैटेजीज रही तो उसको आपको सही से स्टडी करके स्ट्रैटेजी के बेस पर आपको ट्रेड लेते आना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता था आपको कि प्रोलाइट कैसे वर्क करता है और उसके बेस पे भी आप ऑप्शन में कैसे एंट्री ले सकते हो। और आई होप मैंने आज आपको कई चीज़ें क्लियर करी है, और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि अलग अलग स्ट्रैटेजी दिखने में सेम होती है, लेकिन उनमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हो आप, जो डिफरेंस दिखता है वो आपको मार्केट में उनमें रियल टाइम जब ट्रेड करते हो तभी समझ आता है। बाकी चार्ट देख के आपको सभी सेम लगेगा कि ये ऐसा चार्ट है वैसा चार्ट है, लेकिन मेन जब कॉल्स आप देख पाते हो तो तब आप समझ सकते हो कि किन टाइम पे किसने कॉल जल्दी जनरेट किया या फिर किसमें कॉल नहीं आया। तो उस बेस पे आपके पास दो तीन इंडिकेटर होते हैं तो आप सही से कॉल किसी ना किसी इंडिकेटर के बेस पे आप एंट्री ले सकते हो मार्केट में, जब आपका मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देने लायक होता है। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के नए अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।